क्या आप भी ये सोचकर परेशान है कि ऑनलाइन टीचिंग शुरू तो करना है लेकिन मुझे ऑनलाइन टीचिंग रिकॉर्ड भी करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे पास एज अ रिकॉर्ड में भी रहे ताकि आगे वो मेरा काम आए। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए मैं कौन सा कैमरा सेटअप यूज करूँ या फिर कौन सी बेस्ट क्वालिटी बेस्ट बजट में मुझे मिल जाएगी। ये सारे प्रॉब्लम है अगर आपके पास, तो इसका सलूशन है आज के इस वीडियो में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे बेस्ट कैमराज हैं जिसे आप ऑनलाइन टीचिंग रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका बेंचमार्क टेक्नोमेट के इस नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे बेस्ट कैमरा फॉर ऑनलाइन टीचिंग रिकॉर्डिंग। यस, जो कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चला हुआ है। मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है कि मेरे बजट में कौन सा कैमरा अच्छा होगा। आप अपने हिसाब से तो चीजों को बता देते हो YouTube पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी मुझे इस बात की नहीं मिलती है कि मेरे बजट में मेरे चीजों को, जो एफर्ट को जो मैं कर रहा हूँ उसको सपोर्ट करे, उसके लिए कौन सा कैमरा होगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कैमरा सेटअप है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DSLR की। DSLR कैमरा, ये आप सभी को पता है कि आपको ट्राइपॉड पे सेट करना पड़ता है, कैमरा आपको उस पे लगाना पड़ता है, पीछे एक पर्सन रहता है जो कि आप जब वीडियो शुरू करते हो या फिर जब आपका टीचिंग शुरू होता है वो रिकॉर्डिंग बटन ऑन करता है, वो ये चेक करता है कि वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, जो माइक कनेक्टेड है कैमरे में वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, बैटरी तो नहीं ख़त्म हो गई है, लेंस सही से क्वालिटी दे रहा है या नहीं। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए कैमरे के पीछे एक पर्सन होता है जो ये सब चीजों को देखता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कैमरा कौन सा लेना चाहिए DSLR का, जो कि आपके रिकॉर्डिंग, जो कि टीचिंग का वीडियो है तो एक घंटे का तो ऑब्वियसली होगा ही, 45 मिनट्स का तो होना ही चाहिए एटलीस्ट टीचिंग के वीडियो को, ताकि बच्चों को सिलेबस अच्छे से समझ में आए। तो कौन सा ऐसा कैमरा है जो मेरे इस चीज़ को सपोर्ट करेगा? तो आजकल सोनी के अल्फा सीरीज़ के कैमरे बहुत अच्छे आ रहे हैं, कैनन के कैमरे बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो कि 2 लाख से मिनिमम प्राइस उसका शुरू होता है, 3-5 लाख तक ये कैमरे का रेट जाता है अकॉर्डिंग टू लेंस चॉइसेस। अब जिस हिसाब का लेंस चॉइस करते हो उस हिसाब से आपकी जो कैमरे की प्राइस है वो बढ़ जाते हैं। बट यस, प्रोज क्या है, ये आपको 4K क्वालिटी देता है, वीडियो का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि YouTube पे जब वीडियो रीच करने की बात आती है तो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी आपकी वीडियो की रीच भी अच्छी खासी बढ़ती है। अब कॉन्स क्या है? सबसे पहला कॉन्स तो ये है कि ये काफ़ी महंगा आता है। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स के लिए जा सकते हो। दूसरा, आपके पास अगर टीम है जो आपको सपोर्ट करती है, आपने अपने ऑफिस में या अपने कोचिंग सेंटर में ऐसा टीम रखा है जो कि कैमरे के पीछे खड़े रहती है, कैमरा जिसे चलाना आता है, ये आपको चाहिए होता है। तीसरी चीज़, आप बहुत लंबा वीडियोस नहीं शूट कर सकते हो, जैसे कि आप अगर 1 घंटे से ऊपर जाओगे तो आपको कैमरे के बैटरी को बीच में बदलना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको उसका जो लेंस है उसको देखना पड़ेगा वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसमें आपका टाइम गैप जाता है और आपको वेट करना पड़ता है फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए जब बैटरी बदला जाता है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्स है। तो DSLR का आपको समझ में आ गया कि बेनिफिट क्या है, कॉन्स क्या है, प्राइस कितने में मिलेगा, बेस्ट ब्रांड कौन है जो कि आपको DSLR देते हैं फॉर ऑनलाइन टीचिंग रिकॉर्डिंग। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं PTZ कैमरा की, जो कि मोस्टली टीचर्स यूज़ करते हैं। PTZ कैमरे के साथ खासियत क्या है कि आपको अपने घर पे या फिर अपने कोचिंग पे, जहाँ भी आप पढ़ा रहे हो, एक ऐसे जगह पे सेट कर देना है जहाँ से वो आपको कैप्चर कर सके जितना भी आप मूवमेंट कर रहे हो, चाहे आप लेफ्ट हो रहे हो, राइट हो रहे हो या फिर आप सेंटर में खड़े हो, वो आपके मूवमेंट को कैप्चर कर सके। इसमें कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
आप इजीली इसको सेटल कर सकते हो, जितना देर रिकॉर्डिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो। और सबसे खास बात, ये आपको 4K क्वालिटी देती है। ये स्पेशली मुझे तो ऐसे ही लगता है कि टीचर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उनको किसी पर्सन की ज़रूरत ना पड़े। बस आपको वो कैमरे का सेटअप एक बार जो भी टेक्निकल टीम आएगी उससे समझ लेना है। बहुत ईजी सेटअप है, बहुत तामझाम वाला नहीं है। जो भी आपको ये कहते हैं कि बहुत तामझाम वाला सेटअप है, तो एक बार आप हमें कॉल करके सेटअप के बारे में जान लीजिए। इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। एक बार आप सीख जाएंगे तो बहुत ईजिली आप PTZ कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मार्केट में सबसे अच्छा PTZ कैमरा चल रहा है वो बेंचमार्क का चल रहा है। इसके अलावा आप मैक्सअप का ले सकते हैं। ये तमाम तरीके के ब्रांड्स हैं जो कि अपने PTZ कैमरे को अच्छे क्वालिटी के साथ, वैसे तो बहुत सारे PTZ कैमरे मिलेंगे लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलती है, ताकि आप अपने जो वीडियोज़ हैं उसको बेफिक्र होकर बना सके और आपकी चीज़ें ईजिली रिकॉर्ड होके जो आपका सिस्टम है, एडिटिंग सिस्टम है जहाँ से आपको अपलोड करना है वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाए। उसके लिए HDMI कोड दिया रहता है और जिससे आप अपने वीडियोस को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। PTZ कैमरे का आप नुकसान अगर जानना चाहते हैं तो नुकसान बस इतना है कि ये मीडियम लेवल बजट का कैमरा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ये आपको सस्ता नहीं मिलता है, एक मीडियम लेवल का बजट है जो कि आप एक्सपेंस कर सकते हो। अगर आप पढ़ा रहे हो और आपको वीडियो अच्छा बनाना ही है तो आप इसे खरीद सकते हो। इसका जो प्राइस है, अलग अलग जो भी आपको चाहिए या फिर कौन सा आपके लिए PTZ कैमरा बेस्ट रहेगा, तो आप हमसे संपर्क करके भी पूछ सकते हो। लेकिन मेरे ओपिनियन में बेंचमार्क, मैक्सअप, इन सब का जो PTZ कैमरा रहता है वो बेस्ट रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेबकैम की। वेबकैम का रिजोल्यूशन अच्छा होता है, आप ये रेट में बहुत कम आपको पड़ जाता है, बहुत महंगा आपको नहीं पड़ता। 8,000, 6,000, 16,000 तक के रेंज में आपको एक अच्छा वेबकैम का प्रोडक्ट मिल जाता है जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बट मैं इसको बहुत ज़्यादा आपको प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें जो आप क्वालिटी चाहते हो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो और उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप अपने चैनल पे भी डालोगे, लेकिन चैनल पे अगर आपको अच्छे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो लोग आपके वीडियोस को नहीं देखेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन मार्केट में फॉर एजुकेटर्स और फॉर एनीवन बहुत तगड़ा है। तो ज़रूरी ये है कि जो वीडियो की क्वालिटी हो वो अच्छी हो। तो इसीलिए मैं तो यही प्रेफर करूंगी, या तो आप DSLR की तरफ जाएं या तो आप PTZ कैमरे की तरफ जाएं जो कि आप अपने रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ माय ओपिनियन फॉर ऑनलाइन टीचिंग पर्पस, जिसको रिकॉर्डिंग के लिए आपको यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ भी सवाल है, कुछ भी आपको टेक्निकल नॉलेज लेनी है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी कैमरे से रिलेटेड, तो बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए, नंबर स्क्रीन पे है। मिलते हैं अगले वीडियो में।